देखो 2021 की जो यूपीएससी टॉपर है श्रुति शर्मा है ना, उसका जो इंटरव्यू आया है उससे हम क्या सीख सकते हैं, एक स्ट्रेटजी हम कैसे और ब्रीफली समझ सकते हैं, क्योंकि उसने जो इंटरव्यू दिया है वो उसकी सोच के अनुसार दिया है कि मैंने ऐसा ऐसा किया ये क्या, लेकिन यहाँ हमको ये एनालिसिस करना ज़रूरी है कि एक्चुअल उसने क्या किया है और उसकी जो स्ट्रेटजी थी वो किसी भी भावी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कैसे मील का पत्थर बन सकती है, मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा उनकी इसमें उनकी स्ट्रेटजी में चेंज ला सकती है। तो देखो तीन बातें उसके साथ जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले ये थी कि उसने अपने पसंदीदा विषय में डीप स्टडी की, यानी अपने पसंद का जो उसका हिस्ट्री सब्जेक्ट था ऑप्शनल उसमें उसका ग्रेजुएशन था और उसको उसकी डीप समझ थी। हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जो कि इम्पोर्टेंट हिस्सा है पीएससी यूपीएससी का, ठीक है, तो उसको उसकी गहरी समझ उस अनुसार थी जिस अनुसार यूपीएससी एस्पिरेंट को होना चाहिए, यानी हिस्ट्री कैसे हमारे आज को रिलेट करती है। और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें उसके ऑप्शनल पेपर्स के जो मेंस के पेपर गए थे उसमें उसने लिखी होगी, क्योंकि हमें पता है अच्छे से कि श्रुति का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें उसको बेस्ट मार्क्स जो है मेंस में आए सबसे अच्छे, तो ये कहाँ आए होंगे, उसके दोनों ऑप्शनल पेपर्स उसने डेफिनेटली अच्छे से कवर किए होंगे, है ना। तो वहाँ उसकी जो समझ थी अपने सब्जेक्ट को लेके जो उसके प्रश्न बने होंगे वहाँ उसने शो करी। दूसरी बात, उसने खुद ये चीज़ बोली है कि आई डोंट नो कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, जो भी बेसिक सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती है वो तो होती नहीं है, क्लियर कहा है श्रुति ने। तो हमको इस चीज़ से समझना चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे फैलाया जाता है कि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन वो नहीं होता है, इंटरव्यू में वो चीज़ वो लोग जानना चाहते हैं जो मेंस और प्री में छूट गई आपसे, यानी आपकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी को जज करने के लिए जो चीज़ें रह गई है वो उसको इंटरव्यू में पूछते हैं। अब जैसे श्रुति ने कहा कि मुझे नहीं समझ में आया, मैं आइडियोलॉजी बेस्ट चाहती थी इंटरव्यू बट उसका हुआ फैक्चुअल बेस्ट इंटरव्यू, श्रुति शायद नहीं समझ पाई या आई रियली डोंट नो कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है कि नहीं, लेकिन मेरा एक अंदाज़ा ये है इसमें 200% कि उसकी आइडियोलॉजी तो उन्होंने मेंस में देख ली थी जो कि डेफिनेटली बेस्ट थी, अब उन्हें वो पार्ट देखना था फैक्चुअल वाला जो उन्हें सिर्फ कन्फर्म करना था। अब जो चीज़ आपसे वो एक बार टेस्ट ले चुके हैं उसको रिकन्फर्म तो करने से रहे आपकी पर्सनैलिटी में, दैट्स वाई श्रुति के इंटरव्यू में फैक्चुअल बेस्ड चीज़ें ज़्यादा रही। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि पूरे यूपीएससी सिलेबस में आपके कौन कौन से पार्ट बहुत बेस्ट है जिनको आप मेंस में दिखा सकते हो, है ना, और वो जो चाहते हैं वो लोग भी, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपने सोच लिया कि ये बेस्ट और दिखा दिया तो ये नहीं होता है, होता ये है कि वो लोग एक आइडियोलॉजी भी चाहते हैं, फैक्चुअल जानकारी भी चाहते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स